नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। कैंसर ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत होती है। अब यूरोप के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उनको कैंसर का इलाज ढूंढने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा खोजी है जो कैंसर पैदा करने वाले जीन को रोक देगी। कैंसर के रिसर्च और ट्रीटमेंट के लिए बने यूरोपीय संगठन ने दावा किया है कि वो कैंसर पैदा करने वाली जीन MYC को रोकने की दवा बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि OMO-103 मेडिसिन ने क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। इससे पहले MYC जीन को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने में किसी और दवा को सक्षम नहीं पाया गया है। स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में स्थित वेल डी हेब्रॉन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी के अनुसार OMO-103 को एक मिनी प्रोटीन के रूप में विकसित किया गया है। ये कोशिकाओं में प्रवेश कर कैंसर में ट्यूमर को बढ़ावा देने वाले जीन MYC को रोक सकता है। असल में MYC कैंसर को बढ़ावा देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये स्तन, प्रोस्टेट, फेफड़े और ओवेरियन कैंसर जैसे कई सामान्य मानव कैंसर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक समिति के मुताबिक आज तक MYC रोकने वाली किसी भी दवा को अप्रूव नहीं किया गया है। अप्रैल 2021 में स्पेनिश डॉक्टरों ने मिलकर 22 रोगियों को पहले चरण के ट्रायल में शामिल किया। इन रोगियों में अग्नाशय, आंत और गैर छोटे सेल के फेफड़ों के कैंसर समेत कई खतरनाक ट्यूमर थे। 9 हफ्तों के बाद CT स्कैन में पता चला कि 12 रोगियों में से 8 रोगियों में OMO-103 ने कैंसर को बढ़ने से रोक दिया और बीमारी गंभीर नहीं हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस उपचार में OMO-103 MYC जीन को पूरी तरह से रोकने में सफल रहा है। वहीं इसके ज्यादातर साइड इफेक्ट हल्के हैं, जो इस कैंसर के उपचार के दूसरे चरण कीमोथेरेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिएगा न्यूज 44। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।